हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रिकेट टीम का जो कोच है वह 3 बैट और 6 बॉल को 3,900 में खरीदती है। फिर उसके बाद वहीं पर वह एक बैट और 3 बॉल को ₹1,300 में खरीदती है। तो इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली में भी रिप्रेजेंट करना है और फिर हमें ज्योमेट्रिकली में भी दिखाना है। तो देखते हैं, हम यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स कि हमारे पास ना यहाँ पर दो चीज़ का बात किया गया है, एक बैट का, दूसरा बॉल का। तो हम मानते हैं कि लेट द सीपी ऑफ अ बैट, यानी एक बैट का सीपी हमारा ₹X होगा और एक बॉल का सीपी हमारा ₹Y होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बैट ₹X एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉल पे ₹Y। देन अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 बैट और 6 बॉल का रेट ₹3,900 है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 बैट, बैट हमारा एक्स है और बॉल को हम वाई लेट किए हैं, दैट मीन्स 3x+6y=₹3,900 होगा। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 3x+6y=₹3,900। अब इस इक्वेशन को इजी करने के लिए देख रहे हैं कि 3 3 यहाँ कॉमन निकल रहा है, दैट मीन्स हम यहाँ 3 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ x बचेगा, प्लस हमारा यहाँ पर 2y बचा, इक्वल टू 3900 हो गया। अब इसमें से हम x+2y=, ये 3,900 और 3 जो मल्टीप्लाई में था इधर आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा इक्वेशन जो बनेगा पहला वो x+2y=, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 00, दैट मीन्स कि 1 3 00 बन गया। अब इसमें से किसी एक के वैल्यू को बाहर करेंगे तो हम यहाँ x इक्वल टू कर देते हैं तो हो जाएगा 1 3 00, और +2y था तो हमारा हो जाएगा -2y। ये हमारा इक्वेशन 1 बना। अब सेकंड इक्वेशन को ये कहा जा रहा है कि फिर से यहाँ पर अनदर बॉल अनदर बैट, यानी कि एक बैट की बात हो रही है और 3 बॉल की बात हो रही है। तो एक बैट मीन्स x और 3 बॉल मीन्स 3y, तो x+3y=, हमारा हो जाएगा 1,300। देन हम लिखेंगे एंड x+3y=1300। इसमें से हम x के वैल्यू को बाहर करेंगे तो x=1300 और -3y हो जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 और 2 को सेपरेटली हम लोग अलग अलग से सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या क्या वैल्यू हमारा आता है। तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास में इक्वेशन 1 में है x=1300 -2y। देन हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि मिनिमम कम से कम 2 वैल्यू होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने वैल्यू ले सकते हैं। ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। अब बात यहाँ होता है कि y में हम क्या रखेंगे तो x का वैल्यू हमारा क्या होगा। अगर मान लेते हैं कि y की वैल्यू में हमने 300 को रख दिया, अगर y इक्वल टू हमारा 300 हो गया, देन हमारा x क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1300 -2 × 300, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, तो हमारा x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1300 -600, और 13 में से 600 को अगर हम माइनस करेंगे तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 700। मीन्स अगर हम y के वैल्यू को 300 रखे, हमारा x 700 आ गया। नेक्स्ट फिर और एक बार हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर y के वैल्यू को 400 रख दिए तो हम देखते हैं कि हमारे पास में x का वैल्यू क्या आता है। तो हम बोलेंगे y इक्वल टू 400, देन x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो 1300 -2 × 400। इसका मतलब क्या हो गया, तो x इक्वल टू 1300 -2 × 4 = 800। अब यहाँ में से 1300 में से 800 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 500। तो ये हमारा एक्स आ गया 500।
नाउ इक्वेशन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम देखेंगे इक्वेशन सेकंड। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है देखते हैं, x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। उसी तरह सेम टू सेम हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। हमने आपको पहले बोल चुका है मिनिमम कम से कम दो वैल्यू आपको लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वैल्यू ले सकते हैं 3, 4, 5 जितना आपके मन करे। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। अब देखते हैं कि y में हम क्या रखेंगे। इफ़ अगर हम y के वैल्यू में 400 रख देते हैं, सॉरी हम y के वैल्यू में 200 रखते हैं, क्योंकि छोटा वैल्यू लेंगे तो छोटा वैल्यू हमारा आना चाहिए, ग्राफ बनाते समय प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए अगर y हम 200 ले लेंगे तो देन x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 200। ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 1300 माइनस 600। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 13 में से अगर 6 को हम माइनस कर देंगे तो 7 बच जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम y में 200 लिए तो हमारा x 700 हो गया। नेक्स्ट हम फिर देखेंगे y के वैल्यू को। तो अगली अब हम इस बार में हम y के वैल्यू को 300 लेते हैं। तो अगर हम y इक्वल टू 300 ले लिए देन हमारा x का वैल्यू हो गया 1300 माइनस 3y था, यानी कि 3 इंटू 300। दैट इज वी कैन से x इक्वल टू 1300 माइनस 900। और इस तरह में से हमारा x का वैल्यू 13 में से 9 को अगर हम माइनस कर देंगे तो बच जाएगा हमारा 400। यानी कि हम यहाँ पर y का वैल्यू अगर 300 लिए हैं तो x हमारा हो गया 400। इस तरह से हमारे पास में चार पॉइंट बना, उस पॉइंट को हम प्लॉट कर देंगे। तो लिखेंगे वी प्लॉट द पॉइंट्स। पहला पॉइंट को ए लेंगे, तो ए में देखते हैं क्या क्या आता है हमारे पास में। ए में हमारे पास में आया है 700, 300। तो हम लिखेंगे ए में 700, 300 मीन्स 700 हो गया और दूसरा हमारा 300। वहीं बी पॉइंट हमारा कितना होगा, तो बी में देखते हैं 500, 400। तो बी में हमारा हो जाएगा 500, 400। नेक्स्ट सी में देखते हैं, तो सी हमारे पास में है 700, 200। तो इसमें लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर सी लिखेंगे हम लोग 700 और 200। एंड एट लास्ट हमारा डी वैल्यू जो होगा वो देखिए 400 एक्स में और वाई में हमारा 300। अब जो चार पॉइंट हमारे पास है, इस चारों पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर देंगे एक ग्राफ में। हम देखते हैं ग्राफ में प्लॉट करके। यहाँ पर हम ध्यान भी देंगे कि हमारा हाईएस्ट वैल्यू जो हमारा एक्स का है ना वो 700 है, यानी ग्राफ में हमें 700 लेना है और वाई में हमें 400 तक लेना है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू वाई का हमारा 400 है। 300, 400, 200, 300, 400 है। तो हमें ग्राफ में सेपरेटली सबको अलग अलग से एक्स और वाई को अच्छे से लेना है जो कि सब वैल्यू हमें मिले। स्टूडेंट्स हमने यहाँ ग्राफ को ड्रॉ कर दिया है और हमने जो ग्राफ को यहाँ ड्रॉ किया है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, जो हमने ये एक्स डैश इधर लिया हुआ है, इधर एक्स है, और ये हमारा जो है वो वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई तब गया हुआ है और नीचे हमारा वाई डैश में दिया हुआ है। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर जो वैल्यू लिया है ग्राफ में, वो ग्राफ का वैल्यू इस तरह से लिया है कि सभी जो हमारे बॉक्स हैं वो इक्वल हैं। जैसे कहने का मतलब है ना कि यहाँ पर 10 स्मॉल डिवीजन है, तो 10 स्मॉल डिवीजन को अगर हम 100 लिए हुए एक्स एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ में, तो नेगेटिव में वो लिए हुए हैं, और वाई एक्सिस के पॉजिटिव में हम अगर वो लिए हैं 10 स्मॉल डिवीजन को 100 लिए हैं, तो नेगेटिव में भी हम 10 स्मॉल डिवीजन को 100 लिए हुए हैं। ये जो हमारे पास डिवीजन का जो इक्वलिटी है ना, ये जो हमारा है स्केल, इसको स्केल कहते हैं कि स्केल हमारा इक्वल होना चाहिए एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। अब यहाँ पर हमने 100, 200, 300 इसे लिया है क्योंकि अभी हमने आपको इससे पहले बताया था कि एक्स एक्सिस में सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारा जो हो रहा था वो 700 हो रहा था, तो इसलिए 100 लेना यहाँ पॉसिबल था, क्योंकि अगर वो 10, 20, 30, 40 लेते तो ग्राफ हमारे लिए बहुत लंबा चाहिए होता। नाउ अब हम पॉइंट को यहाँ पर क्या करेंगे, तो प्लॉट करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो हमारा पॉइंट है वो 700, 300 है। नाउ एक्स एक्सिस में हम 700 लेंगे और वाई एक्सिस में हम 300 लेंगे।
तो हमारा ये एक्स एक्सिस में हो गया 700 और वाई एक्सिस में हमारा हो गया 300, जिसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और ये भी हमारा 700 ऊपर की ओर जाएगा तो हमारा पॉइंट यहाँ पर बनेगा। दैट मीन्स ये पॉइंट जो हमारा बना वो पॉइंट हमारा ए कहलाया। सेकेंड पॉइंट बी जो हमारा है वो 500 400 है, यानी एक्स में हमारा 500 होगा और वाई में हमारा 400 होगा। तो ग्राफ में हम देखेंगे एक्स में हमारा ये 500 है और वाई में हमारा ये 400 है। जब इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और ये भी जब आगे की ओर बढ़ेगा तो हमारा पॉइंट बी यहाँ पर बनेगा, ये पॉइंट बी हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट सी हमारा 700 और 200 है, मीन्स एक्स एक्सिस में 700 होगा और वाई एक्सिस में 200 होगा। देन हम ग्राफ में देखेंगे कि एक्स एक्सिस में हमारा 700 और वाई एक्सिस में हमारा 200, यानी पॉइंट हमारा सी पॉइंट हमारा यहाँ पर बनेगा। लास्ट जो हमारा डी पॉइंट है वो है 400 300, मीन्स एक्स एक्सिस में 400 होगा और वाई एक्सिस में 300 होगा। ये एक्स एक्सिस में हमारा 400 हो गया और वाई एक्सिस में 300, इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा पॉइंट यहाँ बनेगा। इस पॉइंट का नाम डी हो गया। अब हम यहाँ पर स्केल के हेल्प से ए और बी को स्ट्रेट खींच देंगे और सी और डी को हम स्ट्रेट खींच देंगे। इस तरह से हमने ए और बी को स्ट्रेट खींच दिया और सी और डी को स्ट्रेट लाइन खींच दिया। अब जो हमारा पहला जो लाइन होगा उसका इक्वेशन को लिख देंगे और सेकेंड लाइन के इक्वेशन को लिख देंगे। तो हमारा एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट आया था ना, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 1300, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और हमारा सेकेंड इक्वेशन जो था वो हमारा एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 13, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। यानी हम क्या करेंगे ना, ये दो इक्वेशन को हम लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे, दिखा देंगे। ये हमारा ए और बी से फर्स्ट लाइन गया हुआ है, दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट लाइन होगा। तो ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 1300, और सी और डी हमारा सेकेंड लाइन है। तो इसका जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 1300। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट हो गया और इसको हमने ज्योमेट्रिकली भी दिखा दिया करके कि हमारा इक्वेशन क्या क्या हुआ। थैंक यू।